हर मर्ज का एक इलाज, नॉट प्रोफेसर प्यारे लाल, क्या है वो चीज, देखते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत बिसेन और आपका मेरे YouTube चैनल पे बहुत स्वागत है। ये एपिसोड नंबर 2 है इन द सीरीज ऑफ माइक्रोबायम एंड लीकी गट। सो इस एपिसोड में मैं क्विकली लीकी गट के बारे में समराइज कर देता हूँ। लीकी गट होता है जब हमारे आंतों में छेद हो गया है, जिसकी वजह से अनडिजायरेबल मटेरियल्स लाइक हैवी मेटल और पैरासाइट्स वगैरह हमारे बॉडी में घुस जाते हैं, और जो कि एक तरह से पॉइजन है हमारे बॉडी के लिए। तो उसको लड़ने के लिए क्षमता है हमारी बॉडी में, लेकिन हमारी बॉडी इतनी वीक हो चुकी है कि वो लड़ने की क्षमता इतनी रह नहीं जाती, जिससे हमारे शरीर में उन चीज़ों के आने से क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो जाती है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन सबसे बड़ा रीजन है हमारे बॉडी में मोस्ट ऑफ द डिजीज होने का, फ्रॉम कैंसर टू डायबिटीज, हाइपरटेंशन, एवरीथिंग, यू नो, यू नेम इट। सेकंड पार्ट इसका है माइक्रोबायम। माइक्रोबायम का इतना ज्यादा नंबर है हमारे बॉडी में कि ये समझिए कि हम उनसे बने हैं और उनको खुश रखना बहुत जरूरी है। अगर वो हैप्पी और हेल्दी रहेंगे तो हम भी हैप्पी और हेल्दी रहेंगे। तो ये इसमें मैं आपको राजकुमार का एक डायलॉग है बड़ा फेमस, हमसे जमाना है, जमाने से हम नहीं, वैसे ही हम उनसे हैं, वो हमसे नहीं। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले बात करते हैं लीकी गट के रीजंस की। तो सबसे बड़ा कारण जो मैं मानता हूं वो है केमिकल्स इन आवर फूड। इट इज सेड we are what we eat, but I say we are what we digest and we are what our food ate before it became our food. मतलब कि जिस तरह से हम खाना जो खा रहे हैं, किस तरह से वो उसको उगाया गया। जैसे अगर चिकन खा रहे हैं तो उसमें कितने सारे एंटीबायोटिक्स डाले गए, जो क्रॉप्स, जो गेहूं, दाल, सब्जियां उगाए गए उसमें कितना केमिकल्स डाला गया। केमिकल्स हमारी जिंदगी का इतना खतरनाक हिस्सा बन चुके हैं कि जिसका अभी आपको हमें अंदाजा नहीं है। केमिकल्स हमारे खाने में इतना ज्यादा जहर घोल रहे हैं। इस बात को समझने के लिए हम समझते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले जिस तरह का खाना हम खाते थे उसमें दो तरह से मार पड़ी है। पहली मार पड़ी है केमिकल्स खाने में आ गया, जिसकी वजह से मतलब जहर आ गया। दूसरी मार पड़ी है जो केमिकल्स का यूज किया गया उसकी वजह से जो फूड में, जो क्रॉप्स में जो न्यूट्रिएंट्स थे, जो अच्छी चीजें थी, जो अमृत था, वो चला गया, खत्म हो गया। तो दोनों तरह से वार पड़ के उसका हमारे ऊपर, हमारे शरीर के ऊपर उसका बहुत बुरा नुकसान हुआ है। 1960s के ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद इंडिया में केमिकल्स का बहुत ज़्यादा उपयोग होने लग गया और ये अमेरिका के तर्ज पे किया गया और हो रहा है। अमेरिका की कंपनी है मॉन्सेंटो, जो खरपतवार मारने की एक दवाई बनाती है राउंड अप, उसका भी एड देखिए कितना कूल बनाया गया, सो दैट कि इसको बहुत से ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर सकें। Loving husband and a real good dad, but weeds just make me rattlesnake mad. Now Roundup has a new sharpshoot wand. I'm sending them weeds to the great beyond. ये एड देखने के बाद अमेरिका में इस राउंडअप का इस्तेमाल भी बहुत ज्यादा बढ़ गया और एक कैलिफोर्निया दंपति को उसका इस्तेमाल करने के बाद कैंसर की बीमारी हुई, जिसका उन्होंने दावा ठोका इस कंपनी के ऊपर कि इस दवाई की वजह से, इस खरपतवार को मारने की वजह, मारने वाले राउंडअप की वजह से हमें कैंसर हुआ है। कोर्ट ने उनको 2 अरब रुपए का दावा उनका मंजूर किया। वो अलग बात है कि अब उसको घटा के काफ़ी कम कर दिया गया है, लेकिन ये प्रूव हो गया है कि इस खरपतवार को मारने से कैंसर होता है, और उसी के बेस पे तकरीबन हजारों लोगों ने और इसके कंपनी के ऊपर दावा ठोका है और कंपनी को 10 अरब रुपए, $10 बिलियन का और दावा मंजूर हुआ है। कैंसर का हैवी इस्तेमाल हमारे लिए कितना खतरनाक है कि एक कैंसर एले के नाम से एक इलाका है US में जाना जाता है, जहाँ पे हैवी यूज़ ऑफ केमिकल्स एक मिसिसिपी रिवर से बह के जहाँ पे ख़त्म होता है, और उसके आसपास जो केमिकल फैक्ट्रीज हैं वहाँ पे वेस्टर्न वर्ल्ड में, पश्चिमी वर्ल्ड में कैंसर का सबसे ज़्यादा हाइएस्ट रेट है। सो वेरी क्लियर कि केमिकल से सबसे ज़्यादा कैंसर होता है। और अब हम आते हैं इसी बात पे इंडिया पे। अब आपने वो राउंडअप की एड देखी थी, अब उसी के तर्ज पे देखिए हमारे भावनाओं को खेल के साथ खेलने के लिए कि हम क्या चीज़ अच्छा कर रहे हैं, जो कि दिखाते हैं कि अच्छा कर रहे हैं लेकिन असल में वो अच्छा नहीं है, कितना खतरनाक है, ये देखने के लिए हम एड देखते हैं। मम्मी मम्मी लाइट बंद मत करने, तो आ जाएंगे। नहीं आएंगे, मामा है ना। मम्मी मम्मी वो फिर से आ जाएंगे। कॉकरोच मेरे घर में, कभी नहीं। अब इतना केमिकल इस्तेमाल अब हम घरों में भी करने लग गए हैं, और फिर हम बात करते हैं कि बच्चों को भी आजकल कैंसर और हर तरह की बीमारियां हो रही हैं। अब हम आते हैं इसके दूसरे पार्ट पे कि जो केमिकल्स हम खेत में यूज़ कर रहे हैं, इसका सबसे बड़ा प्राइम एग्जांपल है पंजाब, जो पहले वीडियो में भी मैंने बताया था कि एक एरिया है मालवा का जिसको पूरा पंजाब में एक कैंसर रोग से त्रस्त हो चुका है। मालवा रीजन ऑफ पंजाब, इट इज़ लॉट ऑफ केमिकल्स आर बीइंग यूज्ड फॉर कंट्रोल ऑफ पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड्स आर यूज्ड, and these are used by farmers in indiscriminate way. आपको लगा कि जो दवाइयाँ खेतों में लगती हैं, हाँ उसकी वजह से हो सकता है? हो सकता है,
जो मतलब जिम्मेदार मतलब गेहूँ बदौन के मारे पाँच पाँच छः छः घंटे पा देते पूरा जहर बन जाता है। उसका क्यों ज़्यादा वहाँ पर है केमिकल्स की वजह से? क्योंकि वहाँ पर धान उगाने की एक नया उन्होंने शुरू किया जिसमें ए पहले पानी बहुत ज़्यादा लगता है और बी उसमें केमिकल्स अनियंत्रित तरीके से डाला जाता है। वहाँ पे हर घर में एक गांव है जहाँ पे एक कैंसर रोगी है। अब पंजाब में ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद डेफिनेटली बोलते हैं कि पंजाब एक मॉडल स्टेट बना था बहुत ज़्यादा फसल उगाने के लिए, लेकिन वो हुआ था क्योंकि हमने नए तरह के फर्टिलाइजर्स केमिकल्स यूज़ किए थे, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटाशियम, जिससे अगर आप शुरू में डालेंगे किसी भी चीज़ में तो काफ़ी ज़्यादा उसकी ग्रोथ होती है, लेकिन उसका एंड रिजल्ट क्या निकला है? अभी जो पानी का जो स्तर है पंजाब में बहुत नीचे आ गया है, पानी में इन केमिकल्स घुल चुके हैं जिसकी वजह से पानी के थ्रू से भी बहुत सारे डिजीजेज हो रहे हैं। हैवी मेटल्स यूरेनियम पानी में मिल चुका है और एक प्रोजेक्शन के हिसाब से अगले 15 से 20 साल में पंजाब एक रेगिस्तान बनने के कगार पर है। दूसरा सबसे बड़ा कारण जो मैं मानता हूँ वो है हमने प्रोसेस्ड फूड्स खाना ज़्यादा स्टार्ट कर दिया है। हमने बाहर के रेडीमेड खाना ज़्यादा स्टार्ट कर दिया, मैकडोनल्ड्स खाना स्टार्ट कर दिया, हंगरी जैक्स खाना स्टार्ट कर दिया, KFC, हमारे खानों में आर्टिफिशियल कलर्स आ गए हैं, हम प्लास्टिक की बॉटल्स में पानी पी रहे हैं जिसमें BPA है और कंपनीज इतनी स्मार्ट हैं कि वो BPA का नाम बदल के BPF रख देती हैं और हमको बेवकूफ बना रही हैं। तीसरा सबसे बड़ा कारण है दोस्तों वो है एंटीबायोटिक्स और हैवी यूज ऑफ पेन किलर्स लाइक आइबोप्रोफेन। अब 1940s में जो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का आविष्कार हुआ था वो मानवता के लिए बहुत बड़ी जीत थी, क्योंकि उससे पहले जितनी इन्फेक्शन की बीमारियां होती थी खतरनाक उससे कोई इलाज नहीं था और पेनिसिलिन के आने के बाद से हमने बहुत सारी जिंदगियां बचाई। लेकिन अब उसका हमने इतना ज्यादा इस्तेमाल किया, गलत इस्तेमाल किया, जैसे आज भी लोगों को वायरस होता है तो फिर भी वो एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं। उसकी वजह से क्या हुआ कि जो ये कीड़े हैं, ये जो गंदे कीटाणु हैं, ये ड्रग रेजिस्टेंट बन गए, मतलब इनके ऊपर अब कोई असर नहीं हो रहा है। जैसे कि बोलते हैं ना कि बच्चों को बार बार डांटोगे, गलत चीज बोलते रहोगे बार बार तो ढीट हो जाते, वैसे ये कीड़े अब ढीट हो चुके हैं, अब इनके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। और आगे ये सिचुएशन है कि मानवता को एक्सटिंक्ट भी हो सकता है, क्योंकि ऐसे सुपर बग्स अगर जब वापस आएंगे तो हमारे को नष्ट कर देंगे। इसके लिए एक नया इनिशिएटिव शुरू हुआ है कि नया एंटीबायोटिक डिस्कवर हो जल्दी से जल्दी, जिसके लिए कि 2 अरब रुपये आवंटित किए गए हैं, जो भी करेगा उसको मिलेगा। एंटीबायोटिक एक बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत थोड़े केसेस में होना चाहिए जहाँ पे डॉक्टर को वाकई लगे कि इससे मरीज को फायदा होगा। अब हो यह रहा है कि इतना ज़्यादा एंटीबायोटिक करके जो हमारा गट बैक्टीरिया वो नष्ट हो गया है और हमारा शरीर कमजोर पड़ गया है। अब जैसे हम हैंड सैनिटाइजर भी यूज़ कर रहे हैं, थोड़े टाइम के लिए इस्तेमाल बहुत अच्छा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। जो सबसे शॉकिंग पार्ट एंटीबायोटिक यूज़ का है वो है कि एंटीबायोटिक सबसे ज़्यादा हमारे को एनिमल प्रोडक्ट से आ रहे हैं, जो हम चिकन खा रहे हैं, जो हम दूध पी रहे हैं, और इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है और इससे हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। फोर्थ रीज़न, स्ट्रेस यानी तनाव। स्ट्रेस इज़ अ साइलेंट किलर, यानी तनाव आदमी को अंदर से खोखला कर देता है और आदमी को पता भी नहीं चलता है। स्ट्रेस थोड़े टाइम के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, इट्स कॉल्ड फ्लाइट और फाइट मोड। जैसे जंगल में रहते थे हम लोग तो शेर से बचने के लिए फ्लाइट और फाइट मोड में रह के हम शेर से भाग जाते थे, वो थोड़े समय के लिए ठीक है, लेकिन लंबे समय के लिए वही चीज़ खतरनाक है। वो इसलिए खतरनाक है क्योंकि जब हम तनाव में रहते हैं तो हमारे बॉडी में से ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं कि जिससे हम फ्लाइट और फाइट कर सकें। शरीर की बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको शरीर शट ऑफ कर देता है, जैसे डाइजेशन बंद हो जाएगा, जैसे शरीर का रिपेयर मैकेनिज्म बंद हो जाएगा। तो जब आप लंबे समय के लिए तनाव में रहते हैं तो आपकी बॉडी खत्म होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि बॉडी रिपेयर नहीं कर पा रही है, इसलिए तनाव से बहुत दूर रहें। फिफ्थ रीज़न, विटामिन D3। विटामिन D3 हमें मिलता है सनलाइट से। इंडिया में 40-90% लोगों को विटामिन D3 की कमी है और विटामिन D3 बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे बॉडी के ठीक फंक्शनिंग के लिए। पहले के ज़माने में हमारे पूर्वज सनलाइट में रहा करते थे, लेकिन अब आज की डेट में हम लोग घरों में बैठना शुरू हो गए हैं जिसकी वजह से हमारे को विटामिन D3 नहीं मिल रहा है। और विटामिन D3 हमारे गट बैक्टीरिया को थ्राइव करने के लिए, बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आवर ह्यूमन बॉडी इज अ ब्यूटिफुल एंड कॉम्प्लेक्स पीस ऑफ इंजीनियरिंग बाई नेचर। इसमें हम जितना एफर्ट डालेंगे उसका रिजल्ट उतना अच्छा आएगा। सिर्फ एक चीज़ या दो चीज़ डालने से इसकी चीज़ें सभी ठीक नहीं हो जाएंगी। कहते हैं ना कि जितना आप गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। ये बॉडी एक टेम्पल है, इसका ध्यान रखना हमारा काम है। इस एपिसोड में इतना ही दोस्तों, अगले एपिसोड में मैं बाकी कॉजेज के बारे में बात करूंगा और इंपॉर्टेंटली मैं ये बताऊंगा कि इनसे कैसे बचा जाए। और अगर आपको मेरा ये काम अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए एंड प्लीज़ बेल आइकन को दबाना ना भूलें कि आपको डायरेक्टली YouTube मेरे वीडियोस आपके पास आएँ। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।